बसपा सुप्रीमो को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि वो ऑफिस के बजाय घर पर मीटिंग करने को मजबूर हो गई हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट शेयर किए और कहा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवाद एजेंडे पर आ गई। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक पोस्ट शेयर कर सपा पे निशाना साधा। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने पार्टी दफ्तर के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करते हुए अपनी अगली पोस्ट में लिखा, इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुँचने पर वहाँ पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में अखिलेश यादव बलिया दौरे पर थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। बसपा अध्यक्ष मायावती को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भरोसा आप दिलाओगे, बात भरोसे की है, अगर वो आती है तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था। इस महागठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी। बसपा ने 10 सीटें जीती थी, जबकि सपा के खाते में 5 सीटें ही आई थी। आरएलडी कोई सीट नहीं जीत सकी थी। चुनाव के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था और फिर 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बसपा अकेली लड़ी थी। इतना ही नहीं, मायावती ने सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी उतारा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।